आसंतु जानिबा अयोध्या राम मंदिर पहाच तथा अन्य केतेक विषय संपर्क में कौन आपण जानिछंती राम मंदिर प्रवेश द्वार पूर्व दिगरे प्रतिष्ठित पहाच चढ़ी सिंह द्वार रे हेबो एही पहाच को चढ़ीबारे दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्ति जमीती कौन समस्या न हुए तेणु राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा रैंप बा लिफ्ट व्यवस्था कर श्री राम मंदिर में पांचटी मंडप रही अर्थात नृत्य सभा रंग कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप रही राम मंदिर प्रतिष्ठा पंचधातु निर्मित 9 फुट उच्चतार दीप जलाजीव दीप को जलई करा जीव राम मंदिर उद्घाटन 1100 किलोमीटर ओजन रही दीप पंचधातु निर्मित कर जहार उच्चता 9 फुट एवं गोलई 8.5 फुट अटे एही दीप को 1 मास मध्य बनई प्रस्तुत कर दीपर विशेष कथा यह कि एही दीप रे 500 एक किलोर घी पूरा जाई पारिबो एवं जणा जाउछि कि एही दीप 4 मास पर्यंत जळिबो एही दीप को जळई श्री राम मंदिर आरती करा जीवो अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा पई आसीछि 3टी सबठारु बड़ उपहार नंबर 1 एही कलश रे जोधपुर रु घी अणा जाइछि जेउथिरे 108टी कलश रहिछि एवं एही घी रे राम मंदिर सर्वप्रथम आरती हेबो एही समस्त कलश शिवलिंग आकृति रो प्रस्तुत करा जाइछि अर्थात राम मंदिर प्रतिष्ठा रे भगवान शिवंकर मध्य आशीर्वाद रहिबो नंबर 2 भगवान श्री राम को मामू घर अर्थात छत्तीसगढ़ भोग भंडार पर 300 टन चाउल पठा जाता जहाँकि अयोध्या पहुंची सारी नंबर 3 108 फुट लंबार धूपकाठी बड़ुदरारु अयोध्या पठा जाता जहाँकि सुरक्षित रूपे अयोध्या पहुंची जाती धूपकाठी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समय जलाजी एपष्ट रूप जना जा कि राम मंदिर प्रतिष्ठा को नहीं संपूर्ण देशवासी के चलचंचल रही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों जोग नक्षत्र तथा क्यों समय अयोध्यारे हेबाक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठार शुभ मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री बाहर करते पंडित गणेश्वर शास्त्री ग्रह नक्षत्र गतिविधि को गणना कले तो से जानवा को पाइले कि 22 जनवरी दिन अग्निबाण मृत्युबाण चोरबाण और रूपबाण दोष मुक्त तेणु से 22 जनवरी दिन 12:29:08 रु 12:30:32 मध्य शुभ मुहूर्त बाहर कले व्यतीत स्वार्थ सिद्धि जुग अमृत सिद्धि जुग और रवि जुग तथा यह दिन मृगशिरा नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त रही जहाँकि अत्यंत शुभ बोली मना जाए तेणु यही दिन ही श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगा अयोध्या राम मंदिर चारोटी सबुठारु मूल्यवान तथा दामी वस्तु किंतु शेष वस्तु संपर्क जानिले आपण निश्चय आश्चर्य हेबे नंबर 1 अयोध्या रे प्रतिष्ठा होगाक थिबा राम मंदिर पई अहमदाबाद रो दरियापुर रु अणा जाइछि 45 किलो ओजन रो शंख नंबर 2 2800 स्क्वायर फुट एरिया रे प्रस्तुत होइतिबा एही राम मंदिर इंडिया रो सबुठारु बड़ मंदिर हेबो जहार उच्चता 161 फुट नंबर 3 राम मंदिर रो ग्राउंड फ्लोर रे एक बड़ एग्जिबिशन प्रस्तुत करा जिवो जेउठारे प्रभु श्री राम को संपूर्ण जीवन अर्थात जन्म ठारु मृत्यु पर्यंत समस्त कथा वस्तु रहिबो नंबर 4 तमिलनाडु रो संत माने राम मंदिर पई सुना एवं रूपा इटा को उपहार रूपे देछंती किंतु एही मंदिर निर्माण रे जे सब इटा लगा जाई छी सेथिरे कोन लेखा जाई छी जदि आपण जानि छंती ताहले निश्चय कमेंट करंतु श्री राम मंदिर पई गुजरात रो 551 किलो रो एक बड़ नगाड़ा आसी छी गुजरात रो दबगर समुदाय रे लुके अयोध्या रे श्री राम ललांक मंदिर पई 551 किलो ओजन रो एक नगाड़ा बा ड्रम प्रस्तुत करिछंती दबगर समुदाय रो अध्यक्ष अंबालाल को मत अनुसार अयोध्या रे श्री राम मंदिर पई तांकर एही प्रस्ताव को राम मंदिर ट्रस्ट रो महासचिव को अनुमति मिली छी गुजरात रो दबगर समाज रो कारीगरी माने एही नगाड़ा को प्रस्तुत करिछंती प्रस्तुतकारी मतानुसार यह नगाड़ व्यवहार लंबा समय धरी हो पारे यह नगाड़े नक्सा पकड़ा तंबार व्यवहार करना और रूपार एक पतला आस्तरण लेयर दि जाए प्रस्तुत करने 15 रु 20 जन कारीगर को 3 मास लगी तेणु से गर्वित कौन आपड़ जानते अयोध्या राम मंदिर स्थापित हो 4 फुट उच्चर नर्मदेश्वर शिवलिंग जपरी नेपाल गंडुकी नदी शालग्राम शिला अयोध्या अणा जाता ठीक से हीपरी मध्यप्रदेश ओंकारेश्वर महादेव 4 फुट उच्च और 600 किलो ओजन नर्मदेश्वर शिवलिंग अयोध्या अणा जाती किंतु कौन आप जानते कहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग एत महत्व एमती मना जाए कि नर्मदार समस्त पथर में महादेव बास करती हिंदू धर्म ग्रंथ अनुसार देवी नर्मदा कठोर तपस्या करापर महादेव को माता गंगा सामान होवार बरदान मागिते माता गंगा सामान होवार तो बरदान दे नते कि से कही कि नर्मदार बाहर या प्रत्येक छोट बड़ पथर प्राण प्रतिष्ठा बिना शिवलिंग रूपे पूजा कर तेणु यही पथर को राम मंदिर परिसर में शिव मंदिर में स्थापित करा जीव भगवान श्रीराम को ससुर एवं मामू को घर आसला उपहार कौन आप जानते भगवान श्रीराम को ससुर घर जनकपुर अर्थात नेपाल आसूची ज्वाई श्रीराम को पाई उपहार भगवान श्रीराम को पाई 400 किलोमीटर अधिक दूरता अतिक्रम कर सांगे मुकुट पान मीठा और लवणी धरी आसुंच मिथिलावासी एवं भगवान श्रीराम को मामू घर अर्थात छत्तीसगढ़ भोग भंडार पर 300 टन चाउल पठा जाता जहाँकि अयोध्या पहुंची सारी तो आपण किए किए अयोध्या भव्य राम मंदिर दर्शन निश्चय कमेंट करंतु अयोध्या परी ओडिशा रे प्रतिष्ठा होई छि 65 फुट रो नूतन राम मंदिर कोन आपण जानि छंती
ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 22 January ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1600 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 65 ଫୁଟର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର 36 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 65 ଫୁଟ 45 ଫୁଟ ଏବଂ 35 ଫୁଟ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାପୁର ଫତେଗଡ଼ ଗାଁରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 22 January ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ 5.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ। ତ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।